लॉकडाउन के दौरान सेवा सदन ने 40 दिन में 85,000 भोजन के पैकेट्स का वितरण जरूरतमंद लोगों को किया। इस दौरान बैरसिया तहसील के 30 गांवों में गरीबों को 675 हाइजीन किट्स का वितरण भी किया गया। सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय ने हिरदाराम नगर के आसपास के गांव और भोपाल शहर की झुग्गी बस्तियों के गरीब लोगों को 85,000 से अधिक भोजन के पैकेट भिजवाए। नर सेवा नारायण सेवा के तहत अस्पताल की पेंट्री में प्रतिदिन भोजन तैयार किया जाता है और यह भोजन सेवादारों द्वारा 3 विभिन्न मार्गों पर गाड़ियों से बांटा जाता है। विगत 40 दिनों से अस्पताल में इस सेवा कार्य पर 14 लाख रुपए का व्यय किया गया है। अस्पताल के सेवादारों ने संतनगर के पास के गाँव बूढ़ाखेड़ा, बेहटा गाँव, लाऊखेड़ी, हलालपुरा के ईसाई कब्रिस्तान के पीछे की झुग्गी बस्ती, खानू गाँव, नेवरी, बरखेड़ा, सालम, भैंसाखेड़ी की नई बस्ती और भैरी बकानिया तथा शहर की विभिन्न झुग्गी बस्तियों के गरीब परिवारों के लोगों को यह नियमित सहायता दी। सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय के ट्रस्टी लोकुमल जनयानी ने बताया कि संत हिरदाराम नगर साहिब जी के आशीर्वाद और सिद्ध भाव के मार्गदर्शन में दानदाताओं के सहयोग से यह सेवा कार्य किया जा रहा है। परमहंस संत हिरदाराम साहिब जी एवं परम श्रद्धेय संत सिद्ध भाव जी के आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन में सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय सेवा के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहा है। इस वक्त कोरोना के विश्व महामारी के संकट में सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय द्वारा सिद्ध भाव जी के मार्गदर्शन में रोजाना दोपहर का भोजन, रात का भोजन गरीब लोगों को में बांटा जा रहा है। कई झुग्गी बस्तियों जैसे बूढ़ाखेड़ा, लाऊखेड़ी, बेटा गांव, हजारपुरा, खानू गांव, गौतम नगर की झुग्गी बस्तियों, कोलार रोड की झुग्गी बस्तियों, जहांगीराबाद, कमला पार्क की झुग्गी बस्तियों में सब जगह भोजन बांटा जा रहा है। साथ में कई भोपाल के साथ साथ हम लोगों ने बैरसिया में, मंडीदीप में, कुरावर में हाइजीन किट बांटे हैं। हाइजीन किट्स में हम लोग 2 साबुन, 1 नैपकिन, 1 सैनिटाइजर, ब्लीचिंग पाउडर ये सब प्रदान कर रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।